आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में एक सेंटेंस को ए बी सी डी पार्ट में डिवाइड करके दिया गया है। हमें उस पार्ट को सिलेक्ट करना है जिसमें ग्रामेटिकल एरर है, और अगर सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो सिलेक्ट करना है नो एरर। सो ऑप्शन ए इज अ मैन इज द ओनली क्रिएचर, ऑप्शन बी दैट इज इन विद, ऑप्शन सी द फैकल्टी ऑफ रीजनिंग, ऑप्शन डी नो एरर। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन ए में जो अ मैन दिया गया है, सो ऑप्शन ए में मैन से पहले आर्टिकल ए का यूज किया गया है जो कि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। यहाँ पे हम आर्टिकल ए के ए को हटा देंगे क्योंकि जो मैन है वो बात कर रहा है एक पूरे मानव जाति के बारे में। तो उससे पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, जो कि आर्टिकल हमारे होते हैं ए, ए एन और दी। दी हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है और वही ए और ए एन इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। तो मैन से पहले जो कि बात कर रहा है एक पूरे मानव जाति के बारे में, उससे पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो हमारा सेंटेंस का करेक्ट फॉर्मेशन होगा मैन इज द ओनली क्रिएचर दैट इज एंडोव्ड विद द फैकल्टी, the faculty of reasoning, faculty of reasoning. So option A is the correct option जिसमें grammatical error है। Thank you. Class 6 to 12 से लेके NEET, IIT, JEE, mains और advanced के level तक 10 million से ज्यादा students का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।